में कोरोना वायरस को लेकर जारी लॉकडाउन में गरीब तबके को राशन व्यवस्था को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई गरीब परिवार राशन नहीं मिलने से भूखे मरने पर मजबूर है। ऐसे में बाहरी क्षेत्र की कुछ गरीब महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और अपनी समस्याओं को लेकर अवगत कराया, जिसे लेकर हमारे संवाददाता फिरोज उस्मानी ने बातचीत की और उनकी समस्याएं सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की। लॉकडाउन में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते राशन वितरण नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर काफ़ी समस्या बनी हुई है। कई वार्डों में ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है जहां राशन नहीं बांटा जा रहा है। ऐसी ही कुछ महिलाएं आज हमारे साथ आई हैं, बहिर क्षेत्र की ये रहने वाली हैं, कलंदर जाति की ये महिलाएं। इनका कहना है कि काफ़ी दिनों से इनको राशन नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते इनके बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या समस्या है। हम बोले छोटा मोटा धंधा करते हैं, हम रोड के किनारे बैठते हैं, धंधा करते हैं, तेल बेचते हैं, दर्द के लिए गैस का चूर्ण बेचते हैं। अब ये क्या कोरोना वायरस आया, भूखे मर रहे हमारे बाल बच्चे, रोज कमाते रोज खाते हैं, हमको कोई नहीं दे रहा राशन पानी, यहाँ कोई हमारी सुनवाई नहीं ले रहा है। सरकार भी ऐसे ही हो रही है, कुछ नहीं जान रही है हमारे को। अब गरीब की हालत है, क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है, रोड के किनारे बैठते हैं। परेशान हो रहे, 4-10 दिन से हमारे बच्चे हमारे कोई टेकने पे सुनाई नहीं हो रही, 10-10 बार जा जा के बोल रहे हैं सबसे, कोई भी हमारी सुन रहे नहीं। बच्चे परेशान हो रहे, हम रोड पे आके भीख मांग के अभी बैठे हैंगे, भीख मांगने में भी कोई भी नहीं दे रहा, कह रहे जाओ जाओ तुम्हारे अपने अपने घरों पे, तुम्हारे उनसे बोलो तो सुनाई भी कोई भी नहीं कर रहा। हम कलेक्टर साहब पास आए, कलेक्टर साहब से मदद मांगने वास्ते, हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं 8-10 दिन से, कोई भी हमारे मजदूरी करते हैं, मजदूरी भी बंद हो गई। आज कलेक्टर में आए तो किसको बताई समस्या? अभी किसी को भी आपसे बोले जो ये समस्या है कि हमारी हल करो, हमारे को कुछ भी आटा ना कुछ भी दिलाओ कलेक्टर। तो ये थी हमारी बहिर क्षेत्र की कलंदर जाति की कुछ महिलाएं, जिनका साफ तौर से कहना है कि इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा है, राशन भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ये समस्या काफ़ी उत्पन्न हो रही है, जिसके चलते ये ऐसी समस्या हम कई वार्डों में देख चुके हैं। अभी कई वार्डों में कई राशन की दुकानों पर हमने ये समस्या देखी कि वहाँ नेट ही नहीं चल रहा, जिसके चलते काफ़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। टोंक से फिरोज उस्मानी, A1 न्यूज़। कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर।